हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अब सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो पहले देखते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन आया है वो है पेंटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग इन मुगल पीरियड, मतलब मुगल टाइम की पेंटिंग को लेकर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये दिया गया है यहाँ पे कि मुगल पेंटिंग है वो शाहजहाँ के टाइम पे अपने पीक पे पहुंची थी। एक सेकेंड को पेन ले लेते हैं। हाँ, कि मुगल पेंटिंग है वो शाहजहाँ के टाइम पे पीक पे लगी थी। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जहांगीर है वो यूरोपियन पेंटिंग को एक्चुअली मुगल कोर्ट में उसने इंट्रोड्यूस है वो किया था, मतलब जहांगीर के टाइम पे यूरोपियन पेंटिंग है वो मुगल दरबार में या मुगल कोर्ट में आई एक तरीके से। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई जो स्पेशल प्रोग्रेस है किस मामले में पोर्ट्रेट पेंटिंग को लेके वो अकबर के टाइम पे आई। ये आपके सामने कह रहा है कि स्पेशल प्रोग्रेस वॉज मेड इन पोर्ट्रेट पेंटिंग अंडर अकबर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसने हमें पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमसे पूछा गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं आंसर की। देखो, मुगल पेंटिंग है वो जहांगीर के टाइम पे पीक पे थी, ना कि शाहजहां, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की बात हम करें कि जो यहाँ पे दिया गया था कि जो यूरोपियन पेंटिंग थी वो मुगल के दरबार में आई थी, वो आई थी अकबर के टाइम पे, तो ये भी कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट उसमें क्या दिया हुआ था, सेकंड स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जहांगीर के टाइम पे यूरोपियन पेंटिंग है वो मुगल दरबार में आई। और हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है उसकी स्पेशल जो प्रोग्रेस है वो जहांगीर के टाइम पे हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा डी, कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, उसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो इंडियन प्लेट है ना वो 1 सेंटीमीटर की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो यूरोप जो यूरेशियन प्लेट है उसके टकरा रही है। मतलब नॉर्थ साइड ये कह रही है कि नॉर्थ साइड पे यूरोशियन प्लेट है, और नॉर्थ वेस्ट साइड से यहाँ पे हम बात करें, हम नॉर्थ वेस्ट हो गए, इस साइड एक्चुअली इंडियन प्लेट आके टकरा रही है यूरोशियन प्लेट की। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया है वो 6 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब एक बार आप देखिए दोनों स्टेटमेंटों को ढंग से, बारीक से पढ़िए। ये तो देखो बिल्कुल, इतना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले की बात करें अगर हम, कि इंडियन प्लेट है वो 1 सेंटीमीटर की स्पीड से मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की साइड, मतलब इंडिया की प्लेट है वो नॉर्थ की साइड हम बात करें या यूरेशियन प्लेट की साइड मूव कर रही है, कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये चीज़ गलत है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं, इंडिया की प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना कि इधर ऐसे। मतलब इंडिया की प्लेट एक तरीके से हम बोले तो जैसे हिमालय इंडिया के कौन साइड में आता है, हिमालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में तो होता है, तो ओब्वियसली उसी साइड मूव कर रही है। और आपको पता है कि इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट के टकराने से तो हिमालय का निर्माण हुआ था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट प्लेट हो ही नहीं सकती है, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया अपने आप। अब देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया की प्लेट है वो 6 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड है। ये देखो साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया की प्लेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा 6 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड नहीं की गई है, 5 में डिवाइड की गई है। तो इसका आंसर, देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी सेकेंड वाला, तो वो तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, कि दोनों ही सही नहीं है, ना ए ना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फीचर अमंग द फॉलोइंग, मतलब हमें संघीय जो फीचर है हमारे संविधान, हमारे देश का, उसकी बात की गई है। आपको बताया कि हमारा देश है वो संघीय है, तो उसमें पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन है IAS IPS ऑफिसर वो स्टेट गवर्नमेंट है वो ले सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट फॉर अमेंडमेंट सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पे राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल, सॉरी जो राज्य विधायिका है, या हम बोल सकते हैं कि स्टेट असेंबली है, उसके कुछ बिल को रिजर्व करके रख सकता है कि भाई ये राष्ट्रपति से हमें मतलब वेरीफाई करवाना है, या राष्ट्रपति ही इनको लेके मोहर वो जारी करेंगे। चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो बजट एलोकेशन है स्टेट का वो संघीय फीचर का प्रावधान है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संघीय फीचर का, या हमारे देश का जो संघीय ढांचा है इसका फीचर है। देखो हम बात करें एक एक स्टेटमेंट के यहाँ ऊपर चलते हैं। एक सेकंड कहाँ गया,
हाँ ये रहा स्टेट है, वो आपको बताया कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जो आईएएस आईपीएस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। आपको पता है ओब्वियसली उनकी वैकेंसी सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। हाँ वो काम है वो स्टेट के अंदर करते हैं, बट उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं जमा। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें तो देखो जो भी गवर्नर होता है वो कोई भी बिल है वो रिजर्व करके रख सकता है स्टेट असेंबली का, राष्ट्रपति की असिस्ट के लिए, राष्ट्रपति की असिस्ट के लिए, ताकि वो राष्ट्रपति उसको मंजूरी दें तभी वो कानून है वो बने। तो मतलब यहाँ पे बात करें तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, और यही बात बिल्कुल सही है क्योंकि काफ़ी अच्छी भी यही बात का एक संघीय ढांचे को दिखाता भी एक तरीके से। इसके बाद में हम बात करें जैसे और पावर की बात करें, इसके बाद मिलते हैं बजटरी प्रोसेस की। देखो बजटरी जो प्रोसेस है वो आपको पता है कि इंडिया में एक अलग से उसके लिए, तो आपको पता है वित्त कमीशन बनाया गया है, फाइनेंस कमीशन है, वो डिसाइड करता है कि स्टेट को कितना कितना फाइनेंस सपोर्ट है वो प्रोडक्ट करवाना है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि अभी रिसेंटली कौन सा फाइनेंस कमीशन है वो बना था, और सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था इंडिया में वो कब बना था। आपको दो क्वेश्चन बताने हैं कि पहला फाइनेंस कमीशन इंडिया में कब बना था और अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन है वो बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे बात करें कि दूसरा स्टेटमेंट कैसे सही था, एक बार दूसरे स्टेटमेंट को हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा था कि राज्यों का अगर कोई, सॉरी, कि कोई भी ऐसा बिल वगैरह आप बनाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में से अमेंडमेंट करना हो, तो उसके लिए हमें स्टेट है उनकी अनुमति है, उनका अनुसमर्थन है, वो जरूरी होता है संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए। एग्जाम्पल बात करें जीएसटी, आपको पता है कि जीएसटी तभी पारित हो सकता था जब आधे से ज़्यादा राज्य हैं वो अपना बहुमत हैं वो प्रोवाइड करवाते, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय संघीय ढांचे को प्रोवाइड कर दिखाता है ना कि हाँ भाई भारत में उस स्टेट है उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। बाकी तो ऊपर वाले तीनों देखोगे ए सी और डी, इनमें कोई भी रोल नहीं है स्टेट का। देखो ए है उसमें तो आपको पता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है आईएएस आईपीएस की जो भी मतलब उनके अगेंस्ट डिसिप्लिन या अनुशासन कार्रवाई करनी है, तो बिल पास करनी है, वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमर्जी चल रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही तो राज्यपाल को अपॉइंट करता है, और राज्यपाल तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति के पश्चात प्रतिनिधि तो काम करने वाला है, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम हो गया। बात करें चौथे बजट की, तो बजट का काम है वो मैक्सिमम तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, उसकी तो प्रोसीजर ही पूरी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं पहला तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है तो साफ साफ क्या शो कर रहे हैं कि भाई भारत में सेंट्रल पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट तो ये चीज़ शो कर रहा है ना कि भाई स्टेट की भी कुछ वैल्यू है, भारत एक संघ बना हुआ है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको जो हमारा लिंक है टेलीग्राम का चैनल है वेलकम यूपीएससी वहाँ पे मिल जाएगा। देखो आज से ये होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा उसका आंसर है वो टेलीग्राम पे आपको दोपहर या इवनिंग तक अपलोड है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आई थी कि सर आप आंसर है वो साथ इनके डिस्क्लोज वो नहीं कर रहे हो। तो अब से ये करेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे इनके आंसर हम टेलीग्राम के चैनल पर पोस्ट है वो कर दिया करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली ब्रू ट्राइब है वो न्यूज़ में थी, ब्लू ट्राइब की बात यहाँ पे की गई है, तो ये एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन दिया गया आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। अब हमें बताना है कि इनमें मैच द फॉलोइंग में, सॉरी इनमें अरेंज करना है हमें कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा, इस तरीके से। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको इसका आंसर है वो मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। नेक्स्ट जो हमारा आप आर्टिकल की बात करें तो वह है पीसा के बारे में, यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। देखो एक तरीके से ये स्टूडेंट हैं हमारे देश के, उनको लेके असेसमेंट है, उनका एक तरीके से सर्वे करने के लिए, कौन से स्टूडेंट जिनकी एज है वो 15 साल है, मतलब 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी देखने के लिए, मैथमेटिक्स उनकी क्वालिटी देखने के लिए, इसके साथ ही उनकी साइंस लिटरेसी है, उनका एक तरीके से क्वालिफाइंग कैसी है, उनकी स्किल, इन सबको चेक करने के लिए ये एक प्रोग्राम है, मतलब एक तरीके से असेसमेंट करने का एक प्रोग्राम चलाया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। अब ये ध्यान रखने के उसमें 15 साल तक के बच्चों की बात यहाँ पे की गई है, और वह वर्ल्ड लेवल पे काम है वो करता है, किस किस के द्वारा है वो भी हम देखेंगे। देखो जो पीसा ये जो प्रोग्राम है ये कोऑर्डिनेट किया जाता है यहाँ पे ओईसीडी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, और इसी के साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, और अदर कंट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं उनके वो भी इसमें शामिल हैं, वो होते हैं यूएस है, यूएस की तरफ से भी एक एनसीईएस है, ये भी पार्टिसिपेट करती है। देखो ये तो इतना ध्यान नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि पीसा के अंदर ओईसीडी है उसका अहम रोल है वो होता है। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
अब देखो, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट असेसमेंट का, ये स्टार्ट हुआ था 2000 में। इसके बाद में इसमें हुआ क्या था, इंडिया को कुछ इश्यू आ गया था, इंडिया की इसमें रैंकिंग काफ़ी ख़राब रही थी, तो इंडिया ने इसको मतलब दरकिनार कर दिया था कि नहीं भाई, हम इसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं करने वाले हैं, इसका जो रेशियो आप बोल रहे, इसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस वगैरह वगैरह करती है, मतलब कहीं ना कहीं पार्शियलिटी का आरोप वगैरह लग गया था। तो इसका काम ही है कि स्टडी के मामले में रीडिंग हुई, मैथमेटिक्स हुई, साइंस हुई, इन सर्किल में ये स्टूडेंट का असेसमेंट है वो करती है। इसके साथ ही जनरल जो सर्वे है वो भी किया जाता है स्टूडेंट का, कि भाई उनमें कैसी कैपेसिटी है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सोल्व वगैरह कर सकते हैं। ये तो देखा हमने पीसा के बारे में, अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड और वो भी देख लेते हैं। कंटेक्स्ट अभी आया है कि अभी इंडिया की जो एचआरडी मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर जावड़ेकर साहब, यहाँ बोले कि एक तरीके से इंडिया का एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसने भी डिसीजन लिया था लास्ट टाइम कि भाई जो पीसा है इसके अंदर इंडिया वापस से पार्टिसिपेट करेगा और अपने जो स्टूडेंट हैं उनका असेसमेंट किया जाएगा, भाई इनको सर्वे किया जाएगा। मतलब पहले इंडिया ने बंद कर दिया था। देखो हम बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 2009-10 के टाइम की बात की एक तरीके से। इसके बाद में इंडिया की रैंकिंग इसमें अच्छी नहीं रही थी। 2009 के टाइम पे इंडिया की रैंकिंग थी वो रही थी 74 में से 72, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और इसलिए उस टाइम की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने इसे बायकॉट कर दिया कि नहीं भाई, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वापस से डिसीजन लिया 2016 में कि नहीं भाई, हम इसमें वापस से पार्टिसिपेट है वो करेंगे। तो उस दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उन्होंने कमेटी सेटअप की और वो पूरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट, मतलब एक तरीके से उसमें सारी डिटेल्स दी गई कि भाई इस तरीके से सर्वे होना चाहिए, इन फीचर्स का ध्यान रखना है। और फिर वो इंडिया के जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने ओईसीडी में उस रिक्वेस्ट को या उस एप्लीकेशन को सबमिट है वो किया था। ये तो हुआ था बेसिकली कंटेक्स्ट के बारे में, हमने यहाँ पे देख लिया। तो अभी जो इंडिया की तरफ से जो एचआरडी मिनिस्टर है, एचआरडी जो मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने क्या किया है कि ओईसीडी है ना, इसको इंडिया का जो पार्टिसिपेशन प्रोग्राम हुआ इसमें पीसा में, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक लेटर वगैरह भेजा है। 2021 में इंडिया इसमें पार्टिसिपेट है वो करने वाला है। अब देखो ये चला है किसके जाएगा, इंडिया में, इंडिया में जो ये प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन और इसके साथ नवोदय विद्यालय समिति, और जो स्कूल हैं कुछ यूटी जो चंडीगढ़ में बोर्ड्स में पार्टिसिपेट हैं वो करने वाली हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हमने देख ले कि पीसा है क्या यूपीएससी इसको पूछ सकती है कि ओईसीडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, देखो असंक्रामक जो डिजीज होती है उनकी बात यहाँ पे की गई है मेनली, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज तो कैसी हो गई, जैसे कि सर्दी होना, जुकाम होना, नॉर्मल जो डिजीज होती हैं वो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जिस तरीके से कैंसर हुआ, HIV हुआ, तो ये जो डिजीज होती हैं, जो हार्ट अटैक हुआ सॉरी, ये जो डिजीज आती हैं वो सारी इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फीचर्स देखते हैं इसके कि कंटेक्स्ट क्या है, फिर हम देखते हैं। मेनली जो डायबिटीज़ तो मैंने आपको बताया, कैंसर बताया, जो ऐसी डिजीज़ हैं क्रोनिक डिजीज़ होती हैं वो इसमें शामिल हैं वो होती हैं। कंटेक्स्ट में अभी ये है कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ना, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, और जब हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा फैल रही हैं और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान है वो जा रही हैं। हर साल लगभग 8.5 मिलियन लोग हैं जिनकी जान है वो जा रही है इस रीजन में, और ये WHO के द्वारा डाटा है वो दिया गया है। अब इसमें देखो रीजन भी दिए गए हैं कि रीजन क्या क्या है, इसके चार अहम रीजन है, तो ये आप ध्यान रख लेना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के। पहला रीजन दिया गया है यहाँ पे तंबाकू यूज़, दूसरा दिया गया है अनहेल्दी डाइट, तीसरा दिया गया है इनसफिशियंट फिजिकल एक्टिविटीज़, और चौथा यूज़ दिया गया है हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का यूज़ है वो लिमिट से ज़्यादा करना या हार्मफुल तरीके से यूज है वो करना। इसके बाद में एक ये डाटा इसमें सामने दिया गया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा जो पुअर फैमिलीज हैं या फिर हम बात करें कि इम्प्रोविसिस जो फैमिलीज़ हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट है वो करती है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना ट्रीटमेंट है वो नहीं करवा पाते हैं, इनके पास सफिशेंट पैसा नहीं होता है, और देखो स्टार्टिंग जो ये डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ, ये इतना इफेक्ट भी नहीं डालती हैं, फिर जब इनके लास्ट स्टेज होती है तब पता चलता है लोगों को, और तब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, और कई बार तो ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो इस रीजन की वजह से पुअर फैमिली को ज़्यादा इफेक्ट वो करती हैं, और उनके ऊपर एक हेल्थ बर्डन भी बढ़ जाता है, और हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी कहीं नहीं इसे प्रभावित होता है। इसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, जैसे डायबिटीज़ और जो कैंसर है या हार्ट डिजीज हो गई हैं, वो एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% जो डेथ होती है वर्ल्ड वाइड, जैसे कि लगभग हर साल देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में सॉरी 41 मिलियन लोगों की जाने जाती हैं। तो उसमें से जो तीन रीजन है, एक तो डायबिटीज़, एक कैंसर और एक हार्ट डिजीज़, इन तीन रीजन्स की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में 41 मिलियन लोगों की जाने हर साल जाती हैं,
और उसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है, कमाल की, सॉरी जो कमाल की बात वो यहाँ पे दी गई है कि हर साल जो 15 मिलियन जो लोग हैं वो तो ऐसे हैं जो प्री मेच्योर होते हैं। प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है, जिनकी एज है वो 30 से 69 साल के बीच में होती है, मतलब 30 to 69 एज के बीच में ही उनकी डेथ हो जाती है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। देखो ये नीचे वाले जो फैक्ट हैं ये तो हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं क्योंकि इनका वैसे तो इतना कुछ बनता नहीं है। बाकी यूपीएससी प्री में तो यही पूछ सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, तो वहाँ पे आपको 2-4 ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है सुपरबग BLA-NDM1। कंटेक्स्ट देखो है क्या वो भी हम देखते हैं और पहले सुपरबग के बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहला तो आपके दिमाग में होगा भाई सुपरबग होता क्या है। सुपर बग देखो आपने इसका नाम भी सुना होगा काफ़ी बार, इकोली सुपर बग के बारे में भी इस तरीके से। देखो इसका फुल फॉर्म है वो तो यहाँ पे ये यह है कि न्यू दिल्ली मेटलो बेटा लेक्टामाइसिस 1। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है, मैंने इसको दिल्ली 1 के नाम से भी जानता, न्यू दिल्ली 1 सुपर बग के नाम से भी शॉर्ट में। अब देखो सुपर बग है ना एक तरीके से एक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि मान लो कि किसी भी पर्सन को कोई भी, जैसे मान लो कि टीबी होगी तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ये मान लो कि ये एक टीबी का बैक्टीरिया है, अब इसके लिए उसको मेडिसिन दी गई, अब मेडिसिन उस पर असर कर रही है, एंटीबॉडी जो एंटीबायोटिक वगैरह ठीक है, अब उस पर्सन ने बीच में ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया तो क्या होगा कि जो ये बैक्टीरिया होगा ना ये अपने आप का एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा कि हाँ भाई अब मेरे को ये मेडिसिन दी जाएगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब एक तरीके से हरामी है, चिकना गड़ा हो जाएगा कि मेरे को कोई भी ऐसी मेडिसिन दी जाएगी इससे तो मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर फिर से इसको एंटीबायोटिक दी जाएंगी तो उसका कोई असर ही नहीं होगा ना ये बैक्टीरिया मरेगा। तो वो जो कंडीशन है ना ये जो बैक्टीरिया है ये सुपरबग कर लेगा, मतलब इस पर इसने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और इस पर कोई भी मेडिसिन है वो भी काम है वो नहीं करेगी। अब देखो इसके खतरे क्या होते हैं, इसके खतरे एक तो ये होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी लोगों में अगर स्प्रेड होगा तो लोगों के दवाई है मेडिसिन से वो काम नहीं करेगी। इसके साथ ही अगर इसको ख़त्म करना है तो काफ़ी हैवी डोज तैयार करने होंगे, साइंटिस्ट को और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर पर और खर्चा बढ़ेगा, तो इसके काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज हो गए। और ये जो और भी खतरनाक होगा, जिस तरीके से हम आजकल देखते हैं ना कि मच्छर होते हैं उनके ऊपर मोर्टिन है ऑल आउट का कुछ काम ही नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से सुपर बग बन चुके हैं, उनके ऊपर जो भी ऑल आउट वगैरह है उनका यूज है उनका जो असर है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो एक तरीके से जो एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक होती हैं उनके अगेंस्ट भी आराम से सर्वाइव है वो कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं सुपर बग जो बैक्टीरिया इस तरीके के बन जाते हैं चिकने घड़े टाइप के। अब देखो कंटेक्स्ट ये है कि जो ये न्यू दिल्ली बैक्टीरिया था ना या न्यू दिल्ली सुपर बग था ये अभी स्वालबार्ड में पाया गया है। स्वालबार्ड है कहाँ पे, ये नॉर्वे हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में तो आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्वे है और उसके अंदर एक आइलैंड है वहाँ पे ये बेसिकली पाया गया है अभी, इसके मतलब वहाँ पे एविडेंस मिले हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि या तो वहाँ पे कोई ह्यूमन वेस्ट है वो फीकल वेस्ट है वो गया है, या फिर किसी पक्षी की वजह से वेस्ट से वहाँ पे गया है, या फिर किसी विजिटर ने मतलब कोई विजिटर ऐसा कोई ना कोई तो वहाँ पे गया है जो इससे इफेक्टेड था और वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे इसका एविडेंस है वो पाया गया है। तो ये इसका कंटेक्स्ट है कि देखो भाई वहाँ पर भी जो आर्कटिक सोयल है वहाँ पे सैंपल लिया गया तो वहाँ पे इसका जो ये सुपरबग है दिल्ली सुपरबग ये वहाँ पे भी आइडेंटिफाई है वो किया गया है। ये तो है कुछ कंटेक्स्ट। तो एक तो यूपीएससी हमें यहाँ पे पूछ सकती है स्वालबार्ड की लोकेशन कि ये कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्वे का जो उधर आपको आर्कटिक सर्किल है वहाँ पे इसकी लोकेशन है नॉर्थ पोल में। तो इसकी आप लोकेशन एक बार यहाँ पे हम बोलूँ तो मैप में एक बार आप चेक कर लेना, और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बीज सेफ्टी एक वो भी बनाई गई है, स्टोर भी बनाया गया है जो कि बीजों को प्रिजर्व है, सीड्स को प्रिजर्व है वो करके रखता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो स्वालबार्ड में ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे तैयार हो जाता है, बाकी तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि सुपरबग होता क्या है और ये कहाँ पे अभी पाया गया है वापस इसका एविडेंस, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है MS स्वामीनाथन कमीशन। जो ही MS स्वामीनाथन आपके दिमाग में आए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फार्मर्स हैं उनकी उनकी हालात को सुधारने के लिए MS स्वामीनाथन कमीशन आया था, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, काफ़ी सारी इन्होंने रिकमेंडेशन भी है वो दी हैं। कंटेक्स्ट अभी आया है, दिल्ली गवर्नमेंट है उसने भी डिसाइड किया है कि जो MSP है ना फार्मर्स को वो MS स्वामीनाथन कमीशन के जो क्राइटेरिया हैं, MS स्वामीनाथन के जो सुझाव हैं उनके आधार पर दी जाएगी। अब देखो MS स्वामीनाथन का सुझाव क्या था वो देखते हैं। MS स्वामीनाथन ने कहा था कि भाई किसानों की जो लागत है ना उससे 50% प्रॉफिट के आधार पे उनको MSP दी जा सके, मतलब उन्होंने कहा था कि सीटू के आधार पे उनको MSP है वो दी जा सके, और ये बात कही थी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई ये सीटू क्या है। देखो जो MSP गवर्नमेंट देती है उसके तीन चीज मतलब तीन तरह के जो सॉरी हाँ तीन तरह के किसानों को बेनिफिट पहुंचाने की MSP है हम दो दी जाती हैं।
यहाँ पे एक तो होती है ए टू, एक होती है ए टू प्लस एफ एल और एक होती है सी टू। तो सी टू में किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा है वो होता है, और ए टू में सबसे कम, और ए टू प्लस एफ एल में ठीक ठाक। और अभी गवर्नमेंटली जो नॉर्मली दी रही है वो दे रही है ए टू प्लस एफ एल के आधार पे। और स्वामीनाथन ने कहा था कि भाई कि आप सी टू है इसके आधार पे जो दे रहे हो, एमएसपी वगैरह किसानों को सपोर्ट दे रहे हो, वो सी टू के आधार पर दीजिए। इन तीनों को ही हम देखते हैं। देखो ए टू का क्या है, ए टू में यह है कि गवर्नमेंट जैसे उनको केस में पैसे दे देती है, किस लिए, बीजों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड हुए, इसके साथ जो लेबर उन्होंने हायर की है जैसे वर्कर्स, उन्होंने फसल को काटने वगैरह के लिए, फ्यूल के लिए, इरिगेशन के लिए, इन इनपुट्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसे वगैरह या ये चीज़ें उनको मुहैया करवा देती है। तो ये तो होगी एम एस पी ए टू टाइप की। तो इसमें आप देख सकते हो कि किसानों का जो मेन मेन खर्चा है, जो उनकी लागत हो रही है, सिर्फ उस उसका दिया जा रहा है, मोटी मोटी लागत है एक तरीके से बोले तो। क्योंकि देखो और भी तरह की लागत होती है, जैसे कोई भी किसान है वो अपने फसल बो रखी है उसने, तो उसकी ध्यान भी उसका ध्यान भी वो रखता है, और जिस जमीन पे वो खेती कर रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो रेंट तो होता ही है ना, ऐसे थोड़ी कि वो फ्री में ही है, उसका भी तो कुछ ना कुछ रेंट बनता ही है। ऐसे काफी सारी और भी लागत हो जाती है, और इसके साथ ही वो किसान खुद अगर इसमें खेती कर रहा है तो खुद की तो मजदूरी होनी चाहिए ना भाई, वो दिहाड़ी खुद की वो भी तो उसमें शामिल होनी चाहिए, बट वो इसमें कहाँ शामिल है, इसमें तो जो लेबर उसने हायर की है उसी की मजदूरी उसमें शामिल की गई है, मतलब जो उसने खर्चा पैसा दिया है रियल में वही। अब बात करें ए टू प्लस एफ एल, ए टू प्लस एफ एल में क्या होता है ये, सॉरी हाँ ए टू प्लस एफ एल में होगा, ए टू वाला तो हो जाएगा, और एफ एल का मतलब क्या हो जाएगा, फैमिली लेबर, कि भाई उसके जो घर में फैमिली है जैसे कि उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, या फिर उसके और भी जो लोग हैं वो फैमिली वाले, वो उसमें लेबर में पार्टिसिपेट करके काम करें, तो उनकी मजदूरी उसमें ऐड कर दी गई है, ठीक है, ये होगी ए टू प्लस एफ एल। और जो तीसरे टाइप की होगी एडवांस जो होगी सी टू, इसमें क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, जिस तरीके से किसान ने जो इंटरेस्ट लोन लिया है तो उसका, किसान लोन चुका रहा है तो उसके पास कितना पैसा बच रहा है तो वो भी इसमें फोकस किया जाएगा। इसके साथ किसान अगर दूसरे की ज़मीन पर काम कर रहा है तो भाई उसका कुछ ना कुछ रेंट वेंट बनता है, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। और इसके साथ ही जो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल एसेट है, जैसे किसान की खुद की ज़मीन है, ये मान लो कि उसकी 100 एकड़ की ज़मीन है, वो खेती कर रहा है, तो 100 एकड़ की ज़मीन का एक साल का कुछ ना कुछ तो रेंट होता होगा। अभी मानो आप एक बार ये सोच के देखिए कि 100 एकड़ की जमीन है और किसान उससे पूरी जमीन से एक साल में 2 लाख रुपए कमा पा रहा है, अब ये देखिए कि ये 2 लाख रुपए उस एक 100 एकड़ की जमीन के लिए इनफ थोड़ी है। अगर उसको उस किसान उस जमीन को किसी को किराए पे दे देता, या फिर उस जमीन को किसी प्राइवेट सेक्टर को देता, तो आराम से किसान को खूब सारे पैसे मिल जाते हैं 2 लाख की बजाय, तो ना ही उसे मेहनत करनी पड़ती। इसका मतलब गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ रेंट भी देगी ताकि वो उसकी भरपाई है वो कर सके, और किसान है वो आराम से खेती को ना छोड़ें और ढंग से खेती की तरफ फोकस भी करें। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, जो और भी लागत हो गई है, कॉस्ट वगैरह, उन सबको कवर है वो किया गया, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें इन चीज़ों को कवर किया गया कि भाई किसान ने लोन ले रखा है तो लोन देने के बाद भी कुछ ना कुछ पॉकेट में तो पैसा होना चाहिए, इसके साथ ही जमीन है उसका कुछ रेंट वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों को फोकस करके बनाया गया है सी टू। मतलब इसमें ए टू और एफ एल के साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी ऐड हैं वो कर दी गई हैं। तो एम एस स्वामीनाथन ने यह कहा कि भाई आप सी टू को फोकस कीजिए, ना कि ए टू प्लस एफ एल को, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट है वो ए टू प्लस एफ एल के आधार पर एम एस पी वगैरह डिसाइड है वो करती है। तो ये देखो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।